SRM टुडे शहर की आवाज। कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम आज घोषित हो गया है, जिसमें इस बार जिले की मेरिट लिस्ट में किसी भी विद्यालय के विद्यार्थी का नाम अंकित नहीं हो पाया है, लेकिन कुछ विद्यालय के विद्यार्थियों ने उच्च अंक प्राप्त किए हैं। जिले में कक्षा 10वीं एवं 12वीं का परीक्षा परिणाम आज घोषित हो गया है, जिसमें जिले की मेरिट लिस्ट में तो किसी विद्यार्थी का नाम नहीं आ पाया, लेकिन कुछ विद्यालय के विद्यार्थियों ने उच्च अंक प्राप्त किए हैं, जिन्होंने विद्यालय पहुंचकर अपने शिक्षकों के साथ खुशियां बांटी और उनका मुंह मीठा करवाया। इस संबंध में दिलीप कुमार मुजावदिया ने बताया कि कक्षा 10वीं व 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित हो गया है, जिसमें इस बार जिले की मेरिट लिस्ट में किसी विद्यार्थी का नाम दर्ज नहीं हो पाया, लेकिन अभी परीक्षा परिणाम देखे जा रहे हैं, जिसमें मंदसौर से 4 विद्यार्थियों ने उच्च अंक प्राप्त किए हैं। पहले स्थान पर दिगंबर जैन स्कूल की बालिका रही है और दूसरे स्थान पर मल्हारगढ़ के जागृति हाई स्कूल की विद्यार्थी रही। साथ ही तीसरे एवं चौथे स्थान पर दलोदा पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने उच्च अंक प्राप्त किए हैं। दसवीं और बारहवीं रिजल्ट आज यहाँ पर आए हैं, क्या परिणाम है और मंदसौर में क्या स्कूल की क्या स्थिति है आपके और जिले में क्या है? दसवीं और बारहवीं का परीक्षा परिणाम अभी 11 बजे घोषित किया गया है, उसमें अभी हमारे स्कूल से जिले की मेरिट में अभी कोई नहीं आया है, लेकिन फिर भी अभी हमारा जो परीक्षा परिणाम है कार्रवाई चल रही है उसको देखने की, और मंदसौर जिले से चार जनों ने अपना स्थान प्राप्त किया है, जिसमें पहले स्थान पर दिगंबर जैन स्कूल की बालिका है, दूसरे स्थान पर जागृति हाई स्कूल मल्हारगढ़ की है, तीसरे पे दलोदा पब्लिक स्कूल और चौथे पे भी दलोदा पब्लिक स्कूल की विद्यार्थी है। आज हमारे 10th और 12th के रिजल्ट आ गए, मैं 12th क्लास में स्टडी करती हूँ और आज मेरा रिजल्ट 90.4 रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। जी, कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे और आगे क्या इच्छा आपकी करने की? ज़्यादा तो नहीं, पर ऐसा 4-5 घंटे डेली का करते थे, डेली तो नहीं कहाँ पर कह सकते, एग्जाम टाइम पे तो ज़्यादा ही करते थे, ऑल टाइम हम एक मतलब कि स्टडी को देते थे हमारा। आगे क्या प्लान है आपका, क्या फ्यूचर क्या देखा आपने? फ्यूचर में सिविल सर्विसेज के एग्जाम में जाने का सोचा है। क्या किस तरीके से सपोर्ट रहता था माता पिता का आपको? सब सपोर्ट, पूरी फैमिली का सपोर्ट रहता था, सिस्टर्स दीदी और सारे शिक्षक हमें बहुत प्रेरणा देते थे आगे बढ़ने की। ब्यूरो रिपोर्ट, SRM टुडे, मंदसौर। SRM टुडे शहर की आवाज़।